मान लीजिए मैं आपको एक घर बनाने के लिए दे दिया और उसमें जो स्टील आपका लग रहा है उस स्टील के लिए मैं आपको बोल देता हूं कि कम से कम स्टील आपको यहाँ पे यूज करना है। आप जितना ज्यादा सेव करोगे उसके बेसिस पे मैं आपको कमीशन दूंगा। तो ये सब बड़े बड़े कंपनियों में चलता है। आप जितना कम खर्च दिखाओगे स्टील में वहां पे आपको उसका एक्स्ट्रा कमीशन भी मिलता है। कम दिखाने का ये मतलब नहीं है कि मैं ड्रॉइंग के बाहर से कम डाल दिया स्टील, ऐसा नहीं। इसके लिए आपको BBS यानी कि बार बेंडिंग शेड्यूल का नॉलेज अच्छा होना चाहिए ताकि आपको एज पर ड्रॉइंग एज पर स्पेसिफिकेशन कितना मैं स्टील काटूं ताकि जितना ड्रॉइंग को चाहिए उतना ही जाए, उससे ज्यादा कहीं ना चला जाए। तो प्रॉपर बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना, क्योंकि एक स्टील जो है एक प्रोजेक्ट का बहुत अच्छा खासा कॉस्ट ग्रैब करके रखता है। अगर आप उस पे कमांड नहीं करोगे तो वेस्टेज बहुत ज्यादा हो जाएगा और वेस्टेज ज्यादा हो जाएगा तो आपके कंपनी का लॉस होगा, आपकी कंपनी फिर आपको निकाल भी सकती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है, पैरामीटर्स अलग अलग हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि क्वांटिटी सर्वे आपको करना है, सारा क्वांटिटी अलग अलग निकालना होगा, रेट एनालिसिस आपको करना होगा। आपके पास मान लीजिए कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर आ रहे हैं, आपको रेट कोट करना है उनको मटेरियल का अलग अलग। आपको रेट एनालिसिस का अगर नॉलेज नहीं है तो आप रेट कोट नहीं कर पाओगे वहां पे अच्छी तरीके से। अगर आपके पास रेट एनालिसिस का नॉलेज नहीं है तो कॉन्ट्रैक्टर कौन सा रेट दे रहा है, आपको कौन सा रेट पकड़ना है, या आप अगर कॉन्ट्रैक्टर हो तो कौन सा रेट वहां पे कोट करना है, वो अगर आपको पता नहीं होगा तो आप लॉस में जा सकते हो। तो ये सब भी चीज पता होनी चाहिए। उसके साथ ही क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल का काम, आपके साइट पे जो मटेरियल आती है उसका क्वालिटी चेक करना पड़ता है आप लोग को साइट पे कंस्ट्रक्शन पे काम करते वक्त। तो ये सारा चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्वालिटी चेक करना मतलब ये नहीं कि सिर्फ दरवाजा देख लिए बाहर से दिख रहा है अच्छा, नहीं, उसकी चेकलिस्ट होती है, बहुत कुछ चेक करना पड़ता है। अगर पिन टू लेके उसके हेड तक एवरी चीज उसका चेक किया जाता है, सब चीज पास होने के बाद ही उसको हम अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज करते हैं। तो इसका बहुत बड़ा स्टेप होता है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, वो सारे आपको चेक करने पड़ते हैं। तो अगर आपको ये सब चीज नहीं आता है और आप ये सब चीज सीखना चाहते हो तो प्रो ट्रेनिंग आप लोग के लिए लाया है, QA/QC का कोर्स, साथ में क्वांटिटी एस्टिमेशन, रेट एनालिसिस और बार बेंडिंग शेड्यूल का कोर्स। और यहाँ पे इस कोर्स के दौरान जो आपकी क्लासेस होंगी वो सारे लाइव होंगे, आप ट्यूटर से 1-to-1 वहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हो। ये जो कोर्सेज है ये आपके स्टार्ट होने वाले हैं 20 अगस्त से, यानी कि 20 अगस्त से। आपका जो QA/QC का क्लास है वो स्टार्ट होगा आपका 7 बजे से लेके 8 बजे तक शाम को, और आपका जो क्वांटिटी एस्टिमेशन डेटा एनालिसिस वाला क्लास है, BBS वाला क्लास है, वो है आपका 9:15 से लेके 10:15 तक चलेगा वो क्लास। और ये सारे क्लास आपके लाइव होने वाले हैं, मैं बार बार आपको बता देता हूं। रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको मिल जाएंगे, अगर आप लाइव क्लासेस मिस करते हो तो उसके रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और जब आप यहां से सक्सेसफुली इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको यहां से सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा जो कि ISO सर्टिफाइड है और ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है। तो इस कोर्स को लेने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसपे आप जाके डायरेक्ट वहां पे खुद को एनरोल कर सकते हो। चलिए पहले हम लोग कंटेंट को देख लेते हैं। कंटेंट में यानी कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीज सीखने को मिलेगा, तो पहले आप पूरा कंटेंट देख लो, सब चीज सही लगे, आपके ओरिएंटेड लगे, आपके अनुकूल लगे, तो ही आप इस कोर्स को यहाँ से परचेज करो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कोर्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप कोर्स कंटेंट को देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपका बेसिक एंड इंट्रोडक्शन चलने वाला है, उसके बाद आपका क्वांटिटी एस्टिमेशन ऑफ कंप्लीट बिल्डिंग प्रोजेक्ट जिसमें आपका क्वांटिटी ऑफ एक्सकवेशन फॉर आइसोलेटेड फाउंडेशन एंड साइट क्लीनिंग वर्क हो गया, उसके बाद कॉन्क्रीट एंड शटरिंग वर्क जो होती है कॉलम नेक पे वो हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, ग्राउंड बीम कॉन्क्रीट हो गया, सब स्ट्रक्चर का पार्ट, सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट, उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ कॉन्क्रीट एंड शटरिंग ऑफ डॉग लेग स्टेयर केस हो गया, डिडक्शन रूल हम लोग जो प्लास्टर में या फिनिशिंग वर्क में करते हैं एज पर IS कोड वो क्या क्या चीज है, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ BOQ डॉक्यूमेंट उसको कैसे बनाना है, क्या चीज ध्यान रखनी है वो सारा चीज, फिर रेट एनालिसिस से सारा चीज आप सीखोगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रेट एनालिसिस ऑफ ब्रिक वर्क, कॉन्क्रीट वर्क, प्लास्टर वर्क, पेंटिंग एंड फिनिशिंग वर्क, उसके बाद लेबर क्वांटिटी हम लोग कैसे निकालते हैं अकॉर्डिंग टू DAR, उसके बाद मटेरियल रिकंसिलेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे निकालना है, रोलिंग मार्जिन ऑफ स्टील कैसे करते हैं, बेसिक्स ऑफ जो बिलिंग है वो सब भी चीज आपको यहाँ पे बताया जाएगा। फिर बार बेंडिंग शेड्यूल आ गया, बार बेंडिंग शेड्यूल में आपका सारे बेंड डिडक्शन के बारे में, लोड डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सारा चीज बताया जाएगा, साथ में आपके फुटिंग हो गए, कॉलम हो गए, बीम हो गए, स्टेयरकेस हो गए, स्लैब हो गए, इन सब का आपको BBS कैसे बनाना है, कटिंग लेंथ ऑफ स्टील कैसे निकालना है, वो सब चीज भी आपका यहाँ पे सारा चीज सिखाया जाएगा। तो ये हो गए क्वांटिटी एस्टिमेशन, रेट एनालिसिस और BBS का सारा कंटेंट। ये आपका 3 वीक का चलने वाला है ये क्लास, जो कि लाइव होगा पूरा, और ये स्टार्ट होने वाला है आपका 20 अगस्त से। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कंटेंट के बारे में, जो कि है आपका QA/QC का, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस कोर्स कंटेंट के बारे में बात करें तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले
पहले रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्यूए क्यूसी इंजीनियर बताया जाएगा, स्नैगिंग के बारे में बताया जाएगा, फिर ब्लॉक वर्क एंड प्लास्टरिंग हो गया, कोल्ड जॉइंट एंड कंस्ट्रक्शन जॉइंट हो गया, मटेरियल टेस्टिंग प्रोसेस, सीक्वेंस ऑफ प्लैनस्केपिंग वर्क, टाइलिंग वर्क, डोर विंडो फिक्सिंग, माइवन वर्क, पावर टूल्स, इंटरनल पेंटिंग वर्क, एक्सटर्नल पेंट एंड फिनिशिंग वर्क, गिप्रॉक वर्क, वाटरप्रूफिंग वर्क, एक्सटर्नल प्लास्टर वर्क, ये सारे आपके कोर्स कंटेंट हो गए जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये कोर्स भी आपका यहाँ पे 3 वीक का होने वाला है, जो कि स्टार्ट होने वाला है आपका 20 अगस्त से, और इसमें आपके सारे प्रोजेक्ट और असाइनमेंट भी इंक्लूड है। तो इतना सारा ये सब कोर्स कंटेंट अगर आप प्रो ट्रेनिंग के यहाँ से सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये प्राइस देख सकते हो। आपको यहाँ पे पड़ेगा, इन लोग का डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो है आपका 1999, लेकिन अगर आप कूपन कोड CIVIL को अप्लाई करोगे तो यही आपको मिल जाएगा और ज्यादा डिस्काउंट पे, आपका पड़ेगा ये 1799। अगर आप यहाँ पे BBS वाला कोर्स लेते हो, यानी कि क्वांटिटी एस्टिमेशन वाला, रेट एनालिसिस वाला, तो उसके लिए भी आपका अगर आप CIVIL को अप्लाई करते हो तो आपको वो भी मिल जाएगा एक्स्ट्रा डिस्काउंटेड ऑफर पे 1799 पे। और अगर आप यहाँ पे दोनों लेते हो, दोनों साथ में ले लेते हो, तो आपका ये पढ़ने वाला है 2999 रुपीज और ज्यादा डिस्काउंट पे। लेकिन हाँ, आपको सारे केस में ही कूपन कोड CIVIL को अप्लाई करना ही है, तभी आप मैक्सिमम डिस्काउंट को आप यहाँ से ले पाओगे। कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है, तो आपको नंबर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस नंबर पे जाके आप कॉल करके अपने सारे क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हो। कोर्स अगर आपको पसंद आई है तो एनरोल करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा जहां पे जाके आप वहां पे पूरे कोर्स फीचर्स को देख सकते हो और एक बार अच्छे तरीके से डीप वे में, और वहां से आप खुद को एनरोल भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद।